हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजूर। आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी हैप्पी स्टोन वर्क वाली साड़ी की पल्लू को परफेक्टली बनाएंगी, जिससे आपका बॉर्डर भी हाईलाइट होगा और आप इजीली से अपने ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर भी कर पाएंगी। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया है। पेटीकोट का जो नाड़ा है वो सामने की तरफ हमने बांधा है, क्योंकि इसमें सामने ही आती है। ये एक शेपवेयर फिस्कट स्टाइल पेटीकोट है। सो यहाँ पर आप चाहे तो पेटीकोट का नाड़ा राइट में भी बांध सकती हैं। अब हम अपनी साड़ी को यहाँ पर ओपन करेंगे। ये साड़ी काफ़ी हैवी स्टोन वर्क वाली है, तो इसका जो बाइंग कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला पार्ट देखिए, इसका पल्लू है, तो कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रैप करना शुरू करते हैं तो इस तरीके से साड़ी को खोलते हुए इसके एंड पार्ट पर जाना है, यानी नॉन पल्लू साइड। नीचे की तरफ आप देख रही हैं काफ़ी हैवी वर्क हो रखा है, और ये साड़ी ना बिल्कुल न्यू है, तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस नहीं रिमूव किया है, तो ब्लाउज पीस वाले पोर्शन को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है और इस तरीके से साड़ी का एंड पार्ट ले लिया है। अब यहाँ सामने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है ना ऊपर की तरफ, देखिए मैंने फोल्ड किया है, और यहाँ पहले राइट साइड में टक करना है, इसके बाद लेफ्ट में। अब जो हमारा सामने का पार्ट है ना, इससे अच्छे से हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। सो इस तरीके से सामने के पार्ट को आपको अच्छे से इंसर्ट करना अंदर तक, ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी के पास फुली फुली ना दिखे। अब हमारा सामने का पार्ट अच्छे से टक हो गया, तो साड़ी को इस तरीके से लेते हुए वन राउंड लेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट करना अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचना है, इसके बाद राइट में टक करना है, फिर बैक के पार्ट को हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करेंगे। सो इस तरीके से हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग काफ़ी नीट क्लीन टाइट फिटिंग हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते हैं, नहीं तो साड़ी भी से उलट पुलट हो सकती है। सो ये वाला पार्ट हमारा पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है। पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, पल्लू जो हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है ना, इसे छोड़ देंगे। एंड पल्लू का जो दूसरा सिरा है, इसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के इस तरीके से सामने की तरफ पल्लू वाले पोर्शन को लेकर पकड़ लेना है आपको। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। आज मैं आपको राइट से दिखाऊंगी, काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप राइट से प्लीट उठाएंगी तो पहली प्लीट आपकी इस तरीके से सामने की तरफ फोल्ड होगी। जितनी चौड़ी आपको बनानी है उतनी फोल्ड कीजिए। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट प्लीट बन चुकी है, तो सामने जो टू फिंगर है उसको कैची की तरह करते हुए फैब्रिक को पकड़ना है, बैक के स्मॉल फिंगर और थम से भी पकड़ना है। तो इस तरीके से उसी को फॉलो करते हुए जो फर्स्ट प्लीट हमने बनाई है, बाकी की भी प्लीट को वन बाई वन बना लेंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फर्स्ट प्लीट आपकी चौड़ी होनी चाहिए एंड उसका जो डायरेक्शन है वो आपका लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो हम प्लीट जब बनाते हुए आते हैं तो देखिए, जो हमारी यहाँ पर अभी जो प्लीट बनी, ये हमारी पहली प्लीट है, बट इसका डायरेक्शन देखिए राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको हमें मैनेज करके लेफ्ट की तरफ करना है। तो मैंने दो प्लीट खोल कर चौड़ी चौड़ी कर दी ऊपर वाली प्लीट को, तो अच्छे से इसका डायरेक्शन देखिए मैनेज हो गया है इस तरीके से। तो आप भी इस तरह से मैनेज करते हुए प्लीट्स को बनाएंगे। इसके बाद इन प्लीट को इक्वल करते हुए पकड़ना है। अब ये प्लीट को यहाँ पर हमें सिक्योर कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा मोटा यहाँ पर फैब्रिक हो गया है, तो सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं होगा। सो इसके लिए देखिए, मैं क्लचर का यूज कर रही हूँ। आप इस तरह के अपने क्लचर से इसे सिक्योर कर लीजिए, तो आपकी प्लीट सिक्योर हो गई है। अगर ये छूट भी जाए तो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। अब देखिएगा, हम पल्लू को इस तरीके से पकड़ते हुए लेफ्ट वाले हैंड में ऊपर की तरफ उठाते हुए शेक करेंगे। इसके बाद साइड से थोड़ी सी दूरी पर वन बाई वन झटकते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। एक बार में शोल्डर की प्लीट्स नहीं बनानी है, नहीं तो आपकी जो पल्लू की प्लीट्स है छूट सकती है एक आध अंदर से। सो इतना पार्ट रेडी हो गया, लेफ्ट वाले शोल्डर पे आराम से रखना है। एंड इसके बाद फैब्रिक को आगे लाते हुए थोड़ा सा फिर से झटकेंगे। एंड यहाँ पर जो लेफ्ट शोल्डर पे हमने पल्लू को रखा है, उसको लेफ्ट वाले हैंड में पकड़ते हुए आगे की प्लीट को भी वन बाई वन हमें अरेंज करना है। सेम प्रोसेस है, साइड से वन बाई वन झटकते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। सो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको अरेंज करते हुए जितनी लेंथ चाहिए उतनी रेडी कर लेनी है। मैंने यहाँ पर देखिए, घुटने से नीचे पल्लू की लेंथ को तैयार किया है, क्योंकि इससे हमारा लुक टॉल भी आता है। अगर आपकी भी हाइट कम हो तो पल्लू को हमेशा लॉन्ग ही रखिएगा। इसके बाद हम सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो देखिए, सिक्योर करने के लिए ये जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है ना, जो शोल्डर वाली दिख रही है, उससे एक या दो इंच बैक में जाकर पल्लू की प्लीट्स को ब्लाउज के फैब्रिक के साथ पकड़ना है। इसके बाद सेफ्टी पिन लेनी है एंड अंदर से इसके साथ में इसको इंसर्ट करना है। जब वो बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूरी पर अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। एंड जो सेफ्टी पिन का लॉक होता है ना, उसे आपको लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे ना, काफ़ी ईजिली से सेफ्टी पिन लग जाती है। देखिए, यहाँ पर लग चुकी है एक बार में ही।
अब ऐसे अगर आप पल्लू को सिक्योर करेंगे तो पल्लू आपका सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा। एंड यहाँ पर देखिए, ये साड़ी बॉर्डर वाली है तो बॉर्डर अच्छे से हाईलाइट हो, इसलिए पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको बस्ट एरिया पे मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से। जब आप सेट कर लेंगे तो इसके बाद जो ऊपर की जो प्लीटें हैं ना शोल्डर के जस्ट पास, यहीं पर थोड़ी सी दूरी पर अरेंज करना है। एंड यहाँ पर देखिए, एक सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर करेंगे। जब आप इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे तो सामने से जो आपकी प्लीट है ना वो बार बार खसकेगी नहीं, और आपका दोनों बॉर्डर अच्छे से हाईलाइट भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब अपने बस्ट एरिया पे बॉर्डर को सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे। एंड यहाँ पर देखिए, हिप वाले पोर्शन पे सेट करते हुए राइट हैंड साइड तक आपको फैब्रिक को लेकर जाना है। इतना फैब्रिक हम मेज़र करके छोड़ देंगे, इसकी हमें प्लीटें नहीं बनानी है। तो मुझे याद रहे इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए कमर में टकिंग कर ली हूँ। इसके बाद जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीटें बनाएंगे। अब आप लेफ्ट राइट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। तो देखिए, नेवर से चार अंगुल आगे जाते स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ना है। एंड अगर आप यहाँ से उठा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको यहीं से जो फैब्रिक मेज़र करके छोड़ना था उसे छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ते हुए सामने की टू फिंगर में फंसाते हुए कैंची की तरह करते हुए वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। तो आपका प्रोसेस सेम ही है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से बनाइए या फिर राइट हैंड से बनाइए। तो अगर आप लेफ्ट हैंड वाले हैं तो लेफ्ट हैंड से बना लीजिए, प्रोसेस मैंने दिखाई दिया है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। अब जब हम कमर की प्लीट बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है। जैसा कि देखिएगा, मेरा भी यहाँ पर थोड़ा सा बच रहा है। ये जो फर्स्ट प्लीट मैं बना रही हूँ अच्छे से बन नहीं रही है, तो इसको मैं छोड़ दूँगी। एंड इसके बाद जो प्लीट का डायरेक्शन है वो देखिए हमारा लेफ्ट की तरफ होगा। प्लीट को अच्छे से पकड़ते ऊपर से झटक देंगे। एंड इसके बाद ऊपर साइड से देखिए हम बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए प्लीट्स को अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्लीट को ज़्यादा आपको नीचे नहीं करना है, नहीं तो लटक जाएगी। तो इस तरीके से हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग देके अरेंज कर लेना है। सभी प्लीट को पकड़ना है। फर्स्ट वाली प्लीट को ओपन करेंगे, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए देखिए फर्स्ट प्लीट को हम चौड़ी करेंगे। अब ऐसा करने से आपकी फर्स्ट प्लीट भी अच्छे से सेट हो गई है और राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो चुका है। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट प्लीट है देखिए बाकी की प्लीट से चौड़ी हो गई है। अब हम अंदर से एक एक प्लीट को अच्छे से पकड़ लेंगे ताकि एक भी प्लीट छूटे ना। और जो प्लीट की फर्स्ट लेयर है उसे हमने नहीं पकड़ा हुआ है। तो देखिए हमने प्लीट को पकड़ के थोड़ा सा झटक दिया है और ये जो फर्स्ट लेयर है ना इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। एंड इसके बाद इन प्लीट को पकड़ते हुए यहाँ पर सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर कर देंगे, क्योंकि ये साड़ी हैवी अगर छूट भी जाए तो आपकी प्लीट इधर उधर ना हो टकिंग में। तो इसलिए आप भी सिक्योर कर ले, इसके बाद टकिंग करें पेटीकोट में। और देखिए जो लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको सामने से हटा लेना है नेवल के। एंड इसके बाद प्लीट को नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करना है कितना पार्ट हमें अंदर टकिंग करना अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर मैंने मेज़र कर लिया है। यहीं पर फाइनली मैं साइड से वन बाय वन अपनी प्लीट को अरेंज कर रही हूँ। सो इस तरीके से हमारी प्लीट्स अरेंज हो गई है। अब देखिए जो फर्स्ट प्लीट है ये अगर आपकी लटक जाती है ना तो फर्स्ट प्लीट भी लटक जाती है जो चौड़ी प्लीट है, तो उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच लीजिए। इसके बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटीकोट में इन प्लीट को टक करना है। टक करके मैं थोड़ा सा शेक की हूँ ताकि फैब्रिक सामने की तरफ फंस के टमी फुली फुली ना दिखे। एंड ये देखिए जो लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसे मैनेज करने के लिए हम देखिए राइट साइड में थोड़ा सा फैब्रिक ओपन करेंगे जिसमें हमारा हैंड इजिली से जा सके राइट वाला। और अब ये जो लेफ्ट हैंड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैनेज करने के लिए देखिए अपने बस्ट एरिया पे बॉर्डर को अच्छे से सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को खींचकर लेकर आना। हिप वाले पोर्शन पे अच्छे से यहाँ पर फैब्रिक को सेट कर लेना है। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा आ चुका है। देखिए इसको अब हम यहाँ पर राइट वाले हैंड को देखिए राइट साइड की तरफ ओपन पार्ट में से इंसर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए राइट की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पर खींचते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना फिटेड रखना है। तो मैं यहाँ घुटने तक फिटेड रखती हूँ। सो इतना ही फैब्रिक को मैं खींचती हूँ जितने में मेरा घुटने तक फिटेड हो जाए। इसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आए इसे हम ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके कमर में टकिंग करेंगे। अब ये टक हो जाने के बाद ऊपर की जो ओपन लेयर है इसे टक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लीट आपकी ऊपर की तरफ ना उठे ना ही राइट की तरफ भागे। तो जो फैब्रिक जहाँ आता है ना उसको वहीं पर अच्छे से टकिंग कर लेना है। ये वाला पोर्शन आपका इस तरह से पल्लू से हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम प्लीटों को अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे इस तरीके से वन बाई वन। अब यहाँ पर जो हमारे कमर की प्लीट है इन्हें भी हम वन बाई वन अरेंज करके इस तरीके से झटक देंगे तो खुद ब खुद सेट हो जाएगी, क्योंकि इसका फैब्रिक जॉर्जेट का है, ऊपर से इसमें काफ़ी हैवी वर्क हो रखा है। तो इसलिए अच्छे से ये एक ही बार में सेट हो जाती है। एक्स्ट्रा की जो मैंने क्लचर लगाई थी उसे मैंने निकाल दिया है। एंड इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं।
सो इस तरह से आप अपनी हैवी स्टोन वर्क वाली साड़ी को इजिली से रैप कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तक की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।